को सच्चा गुरु मिला नहीं तो वो गंगा जी के किनारे बैठ जाते थे और पूरी गीता का पाठ करके गंगा के आगे रोते रोते कहते थे, हे माँ तुम सच्ची हो, हे गीता आप सच्ची हो, मुझे सच्चा गुरु दिलवाइए। और देखो अभिषेक को और कृष्णा को गुरु और लक्ष्मी नारायण जी महाराज कैसे मिल गए घर बैठे। मैं ये सोचता हूँ ये जरूर पिछले जन्म में कल्की की भक्ति करके आए हैं निश्चित तौर में। अगर इनकी भृगु संहिता में पत्री दिखाई जाए तो जरूर मिलेगा। क्यों? बिना कल्की का आधार लिए आप कल्की कल्की कह ही नहीं सकते। यहाँ कल्की मंडल में ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी वजह से ही कीर्तन कर रहे हैं हम, उनका भाग्य हमें खींच रहा है। ये देखो ये बिटिया कैसे जयकल की जय जगतमते कर रही थी छोटी सी बच्ची। ये सारे बच्चे जो छोटे छोटे आए हुए हैं ये सब इनका भाग्य है जो हम यहाँ पे जयकल की जय जगतपते भगवान की पुकार कर रहे हैं। इनके भाग्य को बढ़ाइए, इन्हें ऐसा माहौल दीजिए। घर में टीवी को बंद कर दीजिए, नहीं तो कोई तार वार है ना अपने आप ही काट के कह दो चूहा काट ले गया। कोई बहाना ऐसा बना दो, बच्चों को मत दिखाओ। तो आप समझ लीजिए जितना इन्हें मोबाइल से बचाओगे बच्चों को, जितना टीवी से बचाओगे उतना ज्यादा भजन कर पाएंगे। इन बच्चों को ऐसे संकीर्तन में प्रण कर लीजिए कि 52 रविवार होंगे ना, कम से कम इतना ही कर लीजिए। अभिषेक बेचारा 12 रविवार करेगा तो 12 में तो जरूर आएंगे। देखो बेचारे ने कितनी प्रेम से स्वागत किया है, भाई मैं तो बिछ गया उन दोनों भाइयों का। जय कल्की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, जो ब्रह्ममुहूर्त में करेगा उसे भगवान कल्की अवश्य दर्शन देंगे। ऐसे कई भक्तियाँ हैं जो ब्रह्ममुहूर्त में 3:30 बजे उठ के भगवान की जोत जगा के आसन पे बैठ के माला करते हैं। आप भी चालू कर दीजिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अब पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। रावण ने यही उपदेश दिया था लक्ष्मण जी को, जो शुभ संकल्प हो फौरन कर देना और जो गलत भाव आए तो उसे टालते रहना, यही कहा था रावण ने अंतिम समय में। और देखिए शंकर भोलेनाथ क्या कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना,